के आरपीएस मोड़ के पास एक बिल्डिंग में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग सुशीला आनंद होम नामक बिल्डिंग के ऊपरी तल्ले में लगी। घटना की सूचना मिलने के बाद दमकल की चार गाड़ियों ने मिलकर किसी तरह आग पर काबू पाया। हालांकि इस दौरान बिल्डिंग में रहने वाले माँ और बेटे की दम घुटने से मौत हो गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। गुमला में शौच से लौट रहे युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। घटना सदर थाना क्षेत्र के सिलफारी गांव की है। दरअसल गांव का रहने वाला मोहन साहू शौच के लिए खेत की तरफ गया था। शौच से लौटने के बाद गांव के रहने वाले दो लोगों ने उसके साथ गाली गलौज की। जब मोहन ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की तो उसने उसे चाकू मार दिया। घटना के बाद घायल का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। मधुबनी के हरलाखी थाना क्षेत्र में एनएच के निर्माण कार्य के दौरान एक पेड़ की डाली एक बच्चे पर गिर गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। एनएच का निर्माण कार्य कर रही एक कंपनी जेसीबी के जरिए पेड़ काटी जा रही थी। घटना से गुस्साए लोगों ने कंपनी के खिलाफ लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उचित कार्रवाई और मुआवजा का आश्वासन देकर लोगों को शांत कराया। ये घटना आपका लड़का था? हाँ, हमारा भतीजा था। भतीजा था आपका? हाँ। तो क्या नाम था उसका? उसका नाम था शहनवाज। क्या करने के लिए यहाँ पर आए? घर ही पे था, हम घर से आए जी। यहाँ पे गिरा हुआ ये डीसीपी डार को गिरा रहा था, तो गिरानी चाहिए इधर से जी, तो उधर जा करके लापरवाही से गिरा रहा है। और देखा कि बच्चा गिर गया डार के अंदर, तो उसको फौरन उठानी चाहिए ना, तो उस ऊपर से नीचे इसे गिरा ये करके नीचे धक्का मारा, तब नीचे से ऊपर उठाया डार को, बच्चा का मुंह एकदम। समस्तीपुर के मुसरी घरारी थाना क्षेत्र स्थित चकहबीब गांव में एक व्यक्ति का शव झोपड़ी में फंदे से लटका हुआ मिला। परिजनों ने बताया कि मृतक देर रात अपने खेत में लगी फसल को देखने के लिए गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। इसी दौरान खोजबीन के बाद शव खेत में ही बनी झोपड़ी में मिला। घटना की सूचना मिलते ही काफी संख्या में लोग मौके पर जुट गए और हंगामा भी शुरू कर दिया। बाद में मौके पर पहुंचे पुलिस ने लोगों को उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराया। शेखपुरा के रमरायपुर में सूर्य को अर्घ देने के दौरान एक बच्चा नदी में डूब गया। ग्रामीणों ने किसी तरह उसे निकाला और लेकर सदर अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। लोगों का कहना है कि अस्पताल में डॉक्टर मौजूद ही नहीं थे, इसलिए इलाज के अभाव में बच्चे की मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने अस्पताल परिसर और सड़क पर घंटों बवाल काटा।